हाय फ्रेंड्स, आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग फाइन एंड मेरी पूरी डिवाइन फैमिली काफ़ी ब्लेस्ड होगी, अच्छी होगी। और आज मैंने ऐसे ही सोचा कि एक रीडिंग करते हैं कि आपसे सीक्रेटली कौन कॉम्पीट कर रहा है ना, आपका सीक्रेट कंपेटिटर कौन है। ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट फ्रेंड्स। उनका सन साइन पता लगाएंगे और आपके लिए गाइडेंस क्या है ये पता लगाएंगे। So dear angels, dear spirit guides, my ancestors, please help us and let us know कि मेरा जो कोई भी व्यूअर ये वीडियो देख रहे हैं उनके कंपेटिटर्स ये वाले नहीं रखते हैं, थोड़ा और शफल करेंगे। जो कोई भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके कंपेटिटर्स कौन हैं, सीक्रेट कंपेटिटर्स कौन हैं उनके, उनके सीक्रेट कंपेटिटर्स का सन साइन या उनका कोई ऐसी कोई पहचान, तो प्लीज़ बताइए, गाइड करिए हमें। डियर एंजल्स, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ लेट मी नो कि मेरे जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके सीक्रेट कंपेटिटर्स की पहचान क्या है, उनके सीक्रेट कंपेटिटर्स कौन हैं, उनकी थोड़ी बहुत जानकारी हमको दीजिए सो दैट हम जान सकें कि सीक्रेट कंपेटिटर्स कौन हैं मेरे व्यूअर्स के। सो लेट्स फाइंड आउट। ये जो कोई भी है ये काफी कंजूस इंसान है, मतलब काफी मनी माइंडेड इंसान लग रहा है मुझे। कॉम्पिटिटर या बहुत गॉसिपिंग, बहुत बकवास करते हैं वो आपके बारे में इधर उधर। आपके कंपेटिटर्स जो कोई भी है ना, अभी काफी सारा कर्मा फेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हैवी कर्मा फेस कर रहे हैं। ओके, लेट मी टेल यू द साइंस, उनके सन साइंस क्या है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है, स्कॉर्पियो साइन भी आ रहा है, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, लीब्रा साइन आ रहा है एंड दैट्स इट। आपसे जो कोई भी कंपीट कर रहे हैं ना उनका सन साइन हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो एंड थोड़ा बहुत कहीं पे वाटर साइन बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है। सो फायर साइन बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, ठीक है, फायर साइन बहुत ज़्यादा है एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो। ठीक है, तो मैं ये देख रही हूँ कि आपसे जो कोई भी कंपीट कर रहा है ना, बेसिकली उनको पता नहीं है कि वो सीधे डिवाइन, सीधे भगवान से कंपटीशन कर रहे हैं, क्योंकि आपसे कंपटीशन करना, मुझे लगता है आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान हो, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ये दो कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान हो, ठीक है, हाईली स्पिरिचुअल इंसान हो और गॉड में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते हो, भगवान में, ईश्वर में, अल्लाह में, गॉड में, आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल बीइंग हो और
ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कोई भी है ना, अभी इनकी जो स्थिति है, ये सो नहीं पा रहे हैं रात में, स्लीपलेस नाइट्स हो रही है इनकी। आई कैन सी दैट कि इनकी काफ़ी ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स बिता रहे हैं ये। या बहुत गॉसिपिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग करते हैं ये। बेसिकली ये जो कोई भी है ना, आपके सीक्रेट कंपेटिटर्स, ये कॉम्पिटिटर भी हैं, प्लस दे आर हेटर्स एज वेल। सिर्फ कॉम्पीट करते तो भी समझ में आता, बट इनको प्रॉब्लम क्या है, ये हेट भी करते हैं आपसे। अगर ये कॉम्पीट करके आपसे कुछ सीखते और खुद खुद में अच्छाई उतारते वो, तो भी चलता। बट ये क्या हो रहा है यहाँ पे कि वो कंपीट आपसे इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपसे हेट करते हैं, ठीक है? तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, एयर साइन है बट बहुत स्ट्रांगली नहीं आ रहा। स्कॉर्पियो आ रहा है काफ़ी स्ट्रांगली, एयर साइन भी है यहाँ पे, दैट इज जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड बट यहाँ पे पूरे में मैं फायर साइन बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, ठीक है? बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फायर साइन है यहाँ पे। तो आगे देखते हैं क्या इनके इंटेंशन से, आपसे क्यों कंपटीशन करते हैं, व्हाट डू दे वांट बेसिकली, है ना? और मुझे लगता है ये जो कोई भी आपसे हेट करते हैं ना, ये मुझे कोई कपल दिख रहे हैं, और इनके आपस के बीच में ही लड़ाइयाँ होती रहती हैं आपको लेके, क्योंकि आप को लेके ये डिस्कशन करते होंगे और आपस में ही ये लोग, मुझे लगता है आपको लेके ही लड़ाइयाँ होती हैं इनके बीच में। तो एक्चुअली मुझे यहाँ पे जो किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स और ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है ना, किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आया है, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई कपल है जो आपको लेकर के ना काफ़ी ज़्यादा लड़ते झगड़ते रहते हैं आपस में। बट आप टोटली इस चीज़ से अनअवेयर हो, आपको पता भी नहीं है कौन है ये। लेट्स सी, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो उनका आगे नेक्स्ट मूव क्या है, क्या, व्हाट डू दे वांट, व्हाट आर दे बेसिकली अप टू, चाहते क्या है वो, है ना? आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका नेक्स्ट मूव क्या है, वो चाहते क्या है। लेट्स सी, ओह, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपको देखते हैं कि आप एक रॉयल्टी हो, मतलब आपकी जो एक जगह है ना, आप काफ़ी रॉयल इंसान हो, आप पैसों के राजा हो, ऐसा देखते हैं वो। भले ही आपके पास कभी भी पैसे के इश्यूज भी होते हो ना, तो भी इन लोग को लगता है कि आपके पास भर भर के पैसा है, ठीक है? पता नहीं कौन से भ्रम में जीते हैं ये लोग, बट हो सकता है कि फ्रेंड्स आप रियली किंग ऑफ पेंटिकल्स हो, किंग ऑफ मनी हो, ठीक है? आपके पास हो सकता है बहुत भर भर के पैसा हो। सो बेस, अच्छा ये कार्ड आना चाह रहे हैं, ओके। ओके फ्रेंड्स, ये मुझे कोई ऐसा इंसान भी लग रहा है जिससे आप वॉक अवे कर गए, या उन्होंने कुछ आपको प्रपोजल दिया और आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, है ना? सो हो सकता है वो सीक्रेटली आपसे कंपटीशन कर रहे हों, सीक्रेटली उनको कंपटीशन की फीलिंग आ रही हो आपसे, कि जो भी उनके थॉट्स हों। यहाँ पे मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी भी आ रही है, या आपको वो एज किंग या एज अ क्वीन देखते हैं। अगर आप फीमेल हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो वो आपको एज अ क्वीन देखते हैं, या
आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं, फुल्ली ऑब्सेस्ड हैं आपसे, मतलब पूरी तरह से उनका फोकस जो रहता है ना वो बस आपके ऊपर रहता है, सारा अपना काम धाम छोड़ के बस आपके ऊपर पूरा फोकस है। मुझे लगता है आपकी जो एनर्जी है वो काफी ज्यादा अल्यूरिंग एनर्जी है, आप काफी ज्यादा अट्रैक्टिव एनर्जी हो, मतलब आपकी जो वाइब्रेशंस है ना वो काफी मिस्टीरियस लगती हैं इन लोगों को। बट ये लोग अच्छा नहीं सोचते हैं आपके लिए, आपके जो कॉम्पिटिटर्स है ना ये अच्छा नहीं सोचते हैं। एक होता है हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है, और आपसे लोग बिना बात के ही कॉम्पिटिशन करने लग जाते हैं, जब आप उस इंसान को जानते भी नहीं हो कि वो कहीं से कोई भी इंसान आपसे आपकी जानकारी के बिना आपसे कॉम्पिटिशन करने लग जाते हैं लोग, ऐसा भी मैं देख रही हूँ। क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप योर एनर्जी डिमांड्स रिस्पेक्ट, ठीक है, आप खुद से रिस्पेक्ट नहीं मांगते हो लोगों से, बट आपकी जो एनर्जी है ना वो इतनी ज़्यादा दिव्य है, इतनी ज़्यादा दैवीय है आपकी एनर्जी, कि लोगों को रिस्पेक्ट करने पे, रिस्पेक्टफुली आपको रिस्पेक्टफुली देखने पे या रिस्पेक्टफुली आपको ट्रीट करने पर मजबूर करती हैं आपकी एनर्जी। आप इतनी सुप्रीम एनर्जी को एम्बॉडी करते हो फ्रेंड्स, ठीक है, आपकी जो सुप्रीम एनर्जी है ना वो लोगों को रिस्पेक्ट करने पर मजबूर करती है आपको। दिखने में बेशक आप उन लोगों की तरह, बाकी लोगों की तरह नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, बट आपके अंदर जो एनर्जी एम्बॉडीड है ना, जो आप एनर्जी को, जिस एनर्जी को आप कैरी करते हो अपने अंदर अपने शरीर में, तो उस एनर्जी को देखकर लोग काफ़ी ज़्यादा जेलस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एनवी करते हैं, और आपसे सीक्रेटली कंपटीशन करते हैं कि व्हाई नॉट मी। मैं तो इस टाइप के लोग भी हैं फ्रेंड्स जो सीक्रेटली आपसे कंपटीशन करते हैं, और कंपटीशन करते हैं तो भी ठीक था, बट ये लोग क्या है, दे विश बैड अपॉन यू, यू नो दे आर विशिंग बैड अपॉन यू, उनके इंटेंशंस अच्छे नहीं है आपके लिए। बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है, जबकि आप ऐसा कुछ डिज़र्व नहीं करते हो फ्रेंड्स, आप डिज़र्व करते हो, आपको डिवाइन ने हाई कमांड पे रखा हुआ है, आपको खुद भगवान ने, खुद दिव्य शक्तियों ने आपको ये जगह दी है, तो किसी इंसान की क्या बिसात है कि वो आपको कहीं नीचे उस पर रखे या आपके लिए कुछ गलत सोचे। मुझे समझ नहीं आता कि इन लोगों को क्या भ्रम है, कौन सी दुनिया में जी रहे हैं लोग। आपसे ऑब्सेस्ड होना बनता है, डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड, क्योंकि आप जिस टाइप की एनर्जी को एम्बॉडी करते हो ना, वो एनर्जी ऐसी है कि हर कोई उस एनर्जी को एम्बॉडी करना चाहेगा, है ना। तो यहाँ पे एक ये गाइडेंस ज़रूर है आपके लिए फ्रेंड्स कि आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, और मुझे लगता है आपको खुद से प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज आप ऑलरेडी हाईली प्रोटेक्टेड हो, हेवनली प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। तो आपने बेसिकली ये जो गॉडेस या गॉड एनर्जी है ना, आई डोंट नो, मुझे ये, मेरा ये वीडियो कौन देख रहा है, जो कोई भी गॉडेस या गॉड एनर्जी है, देखिए बॉटम ऑफ डेक एम्प्रेस, ठीक है, दिस इज व्हाट यू एम्बॉडी, the empress sitting on the throne with a crown, yeah, so this is you। अगर आप मेल हो, आप देख रहे हो, तो you're the emperor, ठीक है, और ये जगह आपको खुद दिव्य शक्तियों ने दी है, आपके खुद के ईश्वर ने आपको इस जगह पर बैठाया है, तो उससे हेट करने वाले या उससे कॉम्पिटिशन करने वाला कोई इंसान क्या, कैसे ही कोई इंसान सोच सकता है, इट्स सो वियर्ड रियली। आई जस्ट वॉन्ट टू से टू दीज पीपल, जो भी सीक्रेटली कॉम्पिटिटर्स होंगे आपके, या कोई भी कभी भी किसी से कॉम्पिटिशन करता है, तो मुझे लगता है अपनी लाइफ पर ही फोकस करना चाहिए,
बजाय कि दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना और ताक झाक करना, नोजिंग अराउंड, यू नो, जस्ट फोकस ऑन योर ओन लाइफ, गो गेट सम लाइफ प्लीज. एवरीबडी इज फोकसिंग ऑन देयर ओन थिंग्स, सो प्लीज डू फोकस ऑन योर ओन थिंग्स, यू नो, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन अदर्स लाइफ कि क्या चल रहा है. स्टॉप हेटिंग, यू नो, स्टॉप स्प्रेडिंग हेट्रेड. या ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे इतना ज़्यादा डार्कनेस है, ऐसी दुनिया हो चुकी है कि सब भाग रहे हैं, सब एक दूसरे से चिढ़ रहे हैं, जल रहे हैं, कुढ़ रहे हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड क्या चल रहा है. बट फ्रेंड्स, आप तो अपनी जगह सही हो, आप भी कुछ नहीं कर सकते हो. मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी और यही कह के इस रीडिंग को कंक्लूड करूँगी कि प्लीज़ गॉड हेल्प दीज पीपल. या ट्रूली हेल्प दीज पीपल, बिकॉज हेल्प इन द सेंस, इनको ये जो कॉम्पिटिशन की भावना है ना, इससे निकालिए बाहर. इनको अपने में जीना सिखाइए, इनको अपने में ठीक से रहना सिखाइए. किस टाइप के लोग होते हैं भाई, बड़ा मुश्किल है. ठीक है फ्रेंड्स, सो ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, इसके लिए हम एक गाइडेंस ले लेते हैं. जल्दी से मैं बस एक कार्ड ही निकालूंगी, ठीक है, एक कार्ड ले लेते हैं डिवाइन गाइडेंस की तरफ से, फ्रॉम माय लाइट ओरेकल्स. डिवाइन गाइडेंस क्या दे रहे हैं कि इस तरह के लोगों को कैसे हैंडल करें, क्या गाइडेंस है एंजल्स की. प्लीज एंजल्स गाइड करिए, प्लीज डिवाइन गाइड करिए, शिव शक्ति गाइड करिए, क्या कैसे हैंडल करें ऐसे लोगों को, इतनी सारी गाइडेंस. ओके, मैंने तो सोचा था एक ही आएगा. माँ राधा, राधा माँ की एनर्जी है यहाँ पे. शी इज सो ब्यूटिफुल, हैव यू सीन दिस, वाओ. ओके, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग. यहाँ पर जो गाइडेंस आ रही है माँ राधा की तरफ से, वो ये आ रही है, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ. मतलब आप जो हो, अगर ये फीमेल्स देख रही हैं तो उनके लिए भी है, और जो अगर मेल्स देख रहे हैं उनके लिए भी है. आप अपने अंदर की जिस चीज को भूल चुके थे ना, उस चीज को वापस से प्राप्त करिए. मतलब आपको सिर्फ अपने पर ही फोकस रखने को कहा जा रहा है बेसिकली, ठीक है. या अपनी रिलेशनशिप में हार्मनी रखिए, शांति रखिए, और अगर कोई इस तरह की ईवल चीजें आपकी तरफ भेज रहे हैं तो उसको आप अब्सॉर्ब मत करिए, अपनी एनर्जी को क्लेंस करते रहिए. ये आपको गाइडेंस मिल रही है, ठीक है. एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स की भी स्पिरिट यहाँ पे है, आपके जो पूर्वज हैं, ठीक है. कनेक्ट टू योर लीनिएज, फैमिली वोन एंड पैटर्न्स कैन बी हील्ड नाउ. या तो आपकी फैमिली में कोई ऐसी हीलिंग की जरूरत होगी मुझे लगता है, या तो पास्ट में कुछ ऐसा रहा है कि किसी तरह का, मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ पितृ दोष या कुछ इस टाइप का है जो आपके द्वारा हील हुआ है या आपके द्वारा हील होने वाला है. आपके एंसेस्टर्स यही बोल रहे हैं, यही बता रहे हैं मुझे. थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, सेट योर साइट हाई. ये कार्ड हमारी एक और रीडिंग में आया था. या एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम. ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई कॉम्पिटिशन कर भी रहा है ना, कोई आपसे हेट कर भी रहा है, तो उसको करने दीजिए फ्रेंड्स. आपका एम ये होना चाहिए कि आप सिर्फ अपने आप से कॉम्पिटिशन करिए, ठीक है. आप जैसे भी हो, आपको कॉम्पिटिशन सिर्फ अपने आप से करना है. आपके लिए गाइडेंस आ रही है, आप अपने आप से कॉम्पिटिशन करिए. जैसे भी आप आज हो, कल इससे बेटर होगे,
और परसों उससे भी बेटर, ठीक है? के तो इसलिए आप, हम सबसे अच्छा कॉम्पिटिटर पता है हमारा कौन होता है? हम खुद। जब हम खुद से कॉम्पीट करते हैं ना फ्रेंड्स, तो हम सबसे अच्छे उभर कर निकलते हैं, सबसे अच्छे बनकर निकलते हैं, ठीक है? वी शाइन ब्राइट व्हेन वी कम्पीट आवर ओन सेल्फ, दिस इज व्हाट आई हैव टू से, ठीक है? यहाँ पे द मरियम की एनर्जी है। मरियम कह रही हैं कि अगर आप खुद की हीलिंग चाहते हो, अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो ऐसे लोगों को माफ़ कर दीजिए, उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए, उनकी खुद से ही अवेकनिंग होगी जब कभी भी होगी, और आप सिर्फ अपने आप को ही अपना कंपेटिटर मानिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है फ्रेंड्स? रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस, ठीक है? एक एक सीढ़ी चढ़कर ही आप पीक तक पहुंचोगे, ठीक है? तो एक सीढ़ी जो आप चढ़ते हो ना, वो हैप्पीनेस की सीढ़ी है, और उसको चढ़ते रहिए, ठीक है? अपनी वो जो छोटे छोटे आपके बेबी स्टेप्स हैं ना, वो लेते रहिए, बट रुकिए नहीं, आपको मूव करते रहने के लिए कहा जा रहा है फ्रेंड्स। डू नॉट स्टॉप, ठीक है? कीप गोइंग, ये कहा जा रहा है। अनलीश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, डांस टू द सीक्रेट रिदम ऑफ लाइफ, ठीक है? द सीक्रेट सेल्फ से ये पता चलता है, हर किसी के अंदर भगवान ने, हर किसी के अंदर ईश्वर ने एक प्योर पवित्र आत्मा डाली हुई है। हम सब की आत्मा पवित्र है। वो ये जो ईर्षा द्वेष हम सीखते हैं ना, ये सब हम यहीं पे आकर सीखते हैं, इस दुनिया की चीज़ों से सीखते हैं, इस दुनिया से ही सीखते हैं। सो उन चीज़ों को बिल्कुल लेट गो कर दीजिए, इफेक्ट मत करने दीजिए अपने आप को, ठीक है? यहाँ पे भी यही कार्ड आया है, योर ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, आपके रास्ते में जो भी विघ्न बाधा आ रही थी, वो विघ्न हर्ता गणेश ने दूर कर दी है, ठीक है? ये कार्ड आपको यही बता रहा है। तो कीप गोइंग, ठीक है? कीप मूविंग। आप ये कॉम्पिटिटर्स को कॉम्पिटिशन करने दीजिए और इनको फॉरगिव कर दीजिए। अगर ये आपको कोई नेगेटिव एनर्जीज भी भेजते हैं, आप अपनी नेगेटिव एनर्जीज को क्लेंस करते चलिए और अपनी पॉजिटिव एनर्जी को और रेज करते चलिए, और यही रीडिंग है फ्रेंड्स आप सबके लिए। और अपने खुद के कॉम्पिटिटर बनिए, खुद से कम्पीट करिए, कम्पीट योर सेल्फ, ठीक है? तो इस रीडिंग का कंक्लूजन यही है कि वी शुड कम्पीट आवर सेल्फ इंस्टेड ऑफ कम्पीटिंग विद अदर्स, या? सो आई होप दिस हेल्प्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।